नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। नीमच जिला अस्पताल बना चोरों को अड्डा, अटेंडरों के मोबाइल व जेवर भी होती है चोरी। आपको बता दें कि चोर भी जिला अस्पताल प्रबंधन के स्टाफ के संपर्क में, या यूं कहा जाए जिला अस्पताल का स्टाफ ही कराता है चोरी, अन्यथा जिला अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे जिला अस्पताल के स्टाफ के द्वारा क्यों किए जाते बंद। जिला अस्पताल के स्टाफ के द्वारा कैमरा बंद करते हुए कैमरे में हुआ कैद। कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि बिना जिला अस्पताल प्रबंधन की सांठ गांठ के कुछ भी संभव नहीं। पेश है भिंड से आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। और अस्पताल के स्टाफ के द्वारा जिस तरह सीसीटीवी कैमरे बंद कर चोरी कराई जाती है, आखिर अस्पताल प्रबंधन कहाँ गरीब सोया है, या फिर अस्पताल प्रबंधन ही ये चोरियों को अंजाम दिलाता है? ये बात गलत है कि अस्पताल प्रबंधन चोरी करा रहा है। जो मुझे सीसीटीवी दिखाया गया था उसमें उसने उस कमरे की लाइट बंद की थी, उसी लाइट से कैमरे का भी बटन था, इस कारण उसकी गलती से बंद किया। तो जाना ये कार्य किया जाता है, आज ही अस्पताल प्रबंधन की ये जानकारी में क्यों लगी? जब जानकारी में आएगा तभी संज्ञान लिया जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की भी इसमें साठगांठ है चोरी में। गलत है। अगर गलत नहीं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं संबंधित के खिलाफ? इंक्वायरी कराई है जिसको। कब तक कार्रवाई होगी? जैसी इंक्वायरी रिपोर्ट आती करा देंगे। इंक्वायरी जब आपको सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कर्मचारी आपका कैमरा बंद कर रहा है, उसके बावजूद फिर इंक्वायरी किस बात की? उसका कहना यह कि लाइट का ऑपरेटिंग वही बटन था, इस कारण उसने बंद किया। लेकिन अटेंडरों का तो कहना यह है कि यहाँ रोजाना चोरी होती है, किसी के बाला चोरी होते हैं, किसी के मोबाइल चोरी होते हैं, इसीलिए तो इंक्वायरी कराई जाएगी।